51/798 ब्लॉक नंबर है ये। क्या नाम है? छगाना आपका? डायरेक्ट विधि जोड़कर कटिया डालते हैं। जमा करना ना करना एक दूसरी बात होती है, पहले बिजली का वैध कनेक्शन लीजिए। किस लिए उतार लेगा पता है? बिजली चोरी और बिजली बकायेदारों पर बिजली विभाग बड़ा सिकंजा कस रही है। आपको बता दें कि आज सीतापुर शहर की काशीराम कॉलोनी में बिजली विभाग ने चेकिंग अभियान शुरू किया है, जिसके चलते तमाम कनेक्शन यहां पर काटे गए। क्यों काटे गए इसकी जानकारी हम SDO से जानेंगे। फिलहाल आपको दिखा दें कि देखिए यहाँ पर जो बिजली चोरी कर रहे थे उनके कनेक्शन यहाँ पे काटे जा रहे हैं और ये तार जो केबल थे वो खुलवाए भी जा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ आपको दिखा दें कि इस तरफ किस तरह से जो है जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, SDO हैं, JE हैं और तमाम कर्मचारी हैं, वो मीटर जो है सभी जांच कर रहे हैं। आज आप लोग कहाँ पर जो है मीटर चेकिंग जांच करने आए? जी देखिए, यहाँ पे काशीराम कॉलोनी में कई बार हम लोग को सूचना मिली, कई बार पत्रकारों द्वारा भी हमें सूचना मिली, कई बार हम लोग ने खुद भी चेक कराया। लाइनमैन भी हमारे बोल रहे हैं कि कई ऐसे कनेक्शन हैं जैसे हम बकाए पे खोल दिए जाके तो वो अपना मीटर हीटर हटा हटा के डायरेक्ट चला रहे हैं। अब इतने कनेक्शन हैं तो इसी के लिए हम लोगों ने एक प्लान तरीके से आज यहाँ पर अभियान चलाया है। जिसका भी मीटर नहीं है उसका आज हम कनेक्शन खुलवा के यहाँ से जा रहे हैं, अपने कागज़ दिखाए, मीटर लगवाए, अगर मीटर नहीं है तो उसकी FIR कराए मीटर खोने की या जो भी उसका कारण है, बिल पे करें, उसके बाद मीटर लगेगा और कनेक्शन जुड़ेगा। बिना मीटर के जितनी भी अवैध यहाँ पे कनेक्शन चल रहे हैं आज एक एक ब्लॉक में जाके हम खुलवा रहे हैं, प्लस और भी चोरी की भी कंप्लेंट्स हैं उनको भी देख रहे हैं। तो आज इसी अभियान में हमने लगभग यहाँ पे अभी तक जितने भी ब्लॉक्स में गए तो हमने लगभग 100 से ज़्यादा कनेक्शन ऐसे काटे हैं जो बकाए पे हैं या फिर मीटर नहीं है उनके परिसर पे, डायरेक्ट केबल चला रहे हैं बिना मीटर के बिजली, बिना मीटर के बिजली चला रहे हैं। कैसे होता है ये? ऐसे है कि जैसे मान लीजिए ये केबल आ रही है, जैसे आपके यहीं पे केबल आ रही है, इसमें ये अब इसी केबल में इन्होंने कट लगा के अपने घर में जोड़ लिया, एक इलेक्ट्रिशियन बुलाया ला के जोड़ लिया। अब इन्हीं सब कंप्लेनों को निस्तारण के लिए आज हम उनके कनेक्शंस खोल दे रहे हैं और जो भी चोरी करता पाया जा रहा है उन पे हम धारा 135 के अंतर्गत FIR कराएंगे। आज FIR भी होगी जी। और करीब कितने इस काशीराम कॉलोनी में जो है कनेक्शन होंगे, उपभोक्ता होंगे? लगभग वैध कनेक्शन जो हैं, जो हमारे पे चल रहे हैं, जो कंज्यूमर पे कर रहे हैं, जिनका बिल हर महीने बन रहा है, वो लगभग 1260 के अराउंड है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप ब्लॉक देखेंगे हर ब्लॉक में मेरे ख्याल से लगभग 16 कनेक्शन है एक ब्लॉक, और इतने सारे ब्लॉक्स हैं तो लगभग मेरे अनुमान से लगभग 1600-1700 कनेक्शन होने चाहिए। तो ये जो गैप है इसी को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे आज इस रेट को, मास रेट को कंडक्ट कर रहे हैं। काशीराम कॉलोनी में बकायेदारी भी होगी फिर तो? जी देखिए, बकायेदारी एक इशू अलग है। अगर बकायेदारी है तो उसके लिए डिस्कनेक्शन होता है, वो तो डिस्कनेक्शन प्रक्रिया है कि हम उस वो कंज्यूमर आएगा, वो जमा करेगा, अपना किस्त बनवाए। और मैं आपको बता दूं काशीराम में ही लगभग 30-40% जनता ऐसी है जो अपना महीने में बिल बनता है और महीने महीने जमा भी कर रही है। ऐसा नहीं कि सब संपूर्ण बकायेदारी है, लेकिन जो इसकी आड़ में फ़ायदा ले रहे हैं उन पे ये कार्रवाई की जा रही है आज, कि वो लोग ना बिल जमा कर रहे हैं, ना वैध कनेक्शन ले रहे हैं, ना बिजली चोरी रोक रहे हैं, बिजली चोरी भी कर रहे हैं, तो उन लोगों पे ये आज हम लोग कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, SDO हिमांशु पटेल का कहना है कि कार्रवाई होगी और डायरेक्ट जो मीटर चला रहे थे। फिलहाल हमारे साथ यहीं के JE मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आप JE हैं और करीब यहाँ जैसा कि बताया कि 1600 कनेक्शन होने चाहिए, 1260 कुछ कनेक्शन यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं जी। तो चेकिंग अभियान में आपने क्या पाया जब चेक कर रहे थे? अभी सुबह से जब से हमने चेकिंग अभियान शुरू किया है तो ज़्यादातर ऐसे कंज्यूमर मिले यहाँ पे जो दूसरे की सर्विस केबल से, जिनका कनेक्शन है उनके सर्विस के केबल से बीच से उसको कट करके खुद अपने घर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर मिले हैं जिनका बकाया है तो उनके भी कनेक्शन हमने खुलवाए हैं, बकाया जमा करने के बाद। वैसे पूरा ना सही, कुछ पार्ट पेमेंट ही कर दें, 50% कर दें, उसके बाद उनका कनेक्शन जुड़वा देंगे। और बाकी जो चोरी वाली शिकायतें थी उस पर तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। ये आज औचक निरीक्षण था? नहीं, ये हमारा प्लान वे में एक था और इसको हम आगे भी ऐसे कंटिन्यू रखेंगे।
देखिए काशीराम कॉलोनी में जो है ये मीटर लगे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि मीटर में लाइट नहीं आई थी। डायरेक्ट केबल जिस तरह से जाती है, ये जो सप्लाई होती है ये केबल आती है और डायरेक्ट जहाँ पे इलेक्ट्रीशियन प्राइवेट बुला करके यहाँ के लोग जो उसको कटवा लेते थे। हमारे साथ यहाँ के काशीराम कॉलोनी के निवासी भी मौजूद हैं। ये बताइए आपके यहाँ बिजली आती थी? बिजली आती है। आती है हाँ। तो आज ये क्या हुआ आपके वहाँ? आज क्या हुआ, हम साहब जुड़वा रहा का ना उनका भवनिया परिवार कही आ रहा और वो कही रानी कोठी में कह साहब हमारे मीटर निकाल ले गए, माँ साहब का टेंशन वही। तो डायरेक्ट चला रही थी क्या बिना उसके मीटर के? बिना मीटर के जल मीटर निकाल ले गए रहे भाई, जो उन जो बिल निखारते हैं। अच्छा। बिल वाले ले गए रहे तब कह कि हम कह दियो कि मीटर तो लगे से बिना मीटर के चला रही रहो। मीटर हो गए साल भर बिना मीटर के चल रहा है। हाँ। तो चोरी रहा का? चोरी नहीं रहा है, हम साहब जुड़वा रहने का काना भवनियापुर के आया हूँ गए रानी कोठी सब गए साहब तब जुड़वाए हम। यहाँ पे जो काशीराम कॉलोनी के निवासी हैं वो कह रहे कि मीटर यहाँ पर नहीं था, डायरेक्ट चला रहे थे और जो है डायरेक्ट चलाने के बाद ये बिजली चोरी तो नहीं बता रही कर रही थी, लेकिन हम आपको और भी ले चलते हैं पूरे नीचे जिस कॉलोनी में पूरी बिजली विभाग ने पूरी चेक किया, हर एक ब्लॉक में बिजली विभाग चेक कर रही है, सीढ़ी लगा के उनके कनेक्शन भी काटे गए। और जब ये बिजली विभाग की टीम यहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद पूरी कार्रवाई होती है। देखिए आपको दिखा दें मीटर लगे हैं, जो अभी SDO हिमांशु पटेल ने बताया था कि मीटर में जो सप्लाई आती है यहाँ कट लगती है, तो देखिए इस तरह से ये कट लगे हैं और कट लगने के बाद यहीं से बताते हैं कि अपना एक प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन बुला करके इससे जोड़ लेते हैं और फिर सप्लाई करते हैं, यानी कि बिजली विभाग को एक बड़ी चपत लगाई जा रही थी। फिलहाल तो मीटर खुले हैं, यहाँ पर चोरी हो रही थी, लोग डायरेक्ट उसको चला रहे थे और बिजली विभाग की टीम जब यहाँ पर चेकिंग के लिए पहुँचती है तो पूरे काशीराम कॉलोनी में हड़कंप मच जाता है। फिलहाल बताया है कि 100 से अधिक कनेक्शन ऐसे पाए गए जिनके बकायेदार भी थे और बकाया के साथ साथ वो चोरी कर रहे थे, और चोरी करने के बाद आज बिजली विभाग ने जो है ये अभियान चलाया है चेकिंग का और आगे भी ये अभियान पूरा चलता रहेगा। सीतापुर शहर में भी जो बिजली चोरी करेगा उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आज FIR दर्ज करने के भी काम किए जाएंगे बिजली विभाग के द्वारा। आपको बता दें कि आज जो चेकिंग अभियान चलाया गया है इसमें डायरेक्ट कनेक्शन जो चला रहे थे उनके भी कनेक्शन काटे गए हैं और साथ में जो तार लगे थे डायरेक्ट वाले उनको भी बिजली विभाग ले जा रहा है। फिलहाल ये बड़ी कार्रवाई आज हुई है काशीराम कॉलोनी में जिसमें 100 से अधिक उपभोक्ता जो हैं चोरी से बिजली जला रहे थे, साल साल से जो है मीटर नहीं था लेकिन डायरेक्ट लाइन जला करके अपने बिजली का उपयोग कर रहे थे और इसी के बाद बिजली विभाग ने आज यहां पर काशीराम कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई की है। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, iIndia। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए iIndia।